हरियाणा की राजनीति में चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान काफी सुर्खियों में है। लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया का दौर भी सामने आ रहा है। वहीं बीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। खाटू श्याम जी और बालाजी के दर्शन करवाने का सौभाग्य तो बिरले को मिलता है। कभी आप सबका मन भी हो तो मैं आपको दर्शन करवा के लाऊंगा। ये लोग जो लोग मेरे पर इस तरह की आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि रैली प्रभारी मैं था, ये खाटू श्याम जी और बालाजी के चरणों में वहां लमलेट होते हैं हर 2-15 दिन, मगर इनको सौभाग्य नहीं, बालाजी का आशीर्वाद नहीं है इन पर कि ये लोगों को भी ले जाए। इसमें क्या बुराई भाई कि अगर मैंने किसी मेरी माता बहन से कहा कि चोई साहब की रैली है जिनको हम देवता की तरह पूजते थे, सीकर जाएंगे ही, 30 किलोमीटर दूर सालासर जी है, सालासर जी भी जाएंगे और सीकर भी आ जाइए। अब कोई किसी की रैली को देख के जले तो हम क्या कह सकते हैं भाई। आप मुझे एक बात बताओ, देखो सारी तोड़ तो हम करते हैं इस बात। आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आप मुझे अपना प्यार सदैव देते हो और मेरे परिवार को भी आपका प्यार मिलता है पत्रकारों का। आपके बच्चे, हम तो आपके बच्चे ही हैं, अगर राजस्थान में जाके हरियाणा वालों की डंका बजा रहे हैं, अरे क्या बुराई है भाई, आपका आशीर्वाद तो हमें और मिलेगा। और इन लोगों को कहने दो, मैंने क्या कहा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि कैथल में भी रैली हो रही है, मैंने कहा कैथल भी जाना चाहिए। चोई साहब का बुत जहां लगे, स्टैच्यू लगे, फोटो लगे, उनका जन्मदिन मनाएं, कांग्रेस ही मनाएं, उनके भी जाना चाहिए। अब ना तो उनसे पूछ के गठबंधन किया होगा, क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूं बड़ी गारंटी से, जब गठबंधन हुआ होगा तो ये मैं कह रहा हूं जी उनसे पूछ के नहीं हुआ, और जिनने किया था उसमें वो शामिल नहीं थे। रहेगा कैसे रहेगा, कल को क्या होगा, ये फैसला भी मेरे हिसाब से तो उनसे पूछ के नहीं होगा। हम अपने पहले काम पूरे करना चाहते हैं जो 1 साल बचा है उसमें, और उन कामों के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम एनडीए का हिस्सा हैं और बड़ी मजबूती से। उचाणा के अंदर निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, पिछली दफे 50,000 के मार्जिन से जीते थे। अब एक तो देखने की बात है कि उचाणा के अंदर सब एकजुट हो रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, हुड्डा जी से लेकर उनके बेटा जी से लेकर वीरेंद्र सिंह जी से लेकर इनेलो से लेकर एक्स इनेलो से लेकर जितने भी लोग हैं और निर्दलियों से लेकर, सब वहां जाकर के एक सपना सजो लिया कि दुष्यंत चौटाला को किसी तरह उनकी राजनीति को यहीं खत्म किया जाए, उनको कमजोर किया जाए। और इस देश की जनता बहुत बलवान है, उचाणा की जनता महान है, वो इन तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है और इस पर करारा हथौड़ा और जवाब देने का काम आने वाले इलेक्शन में करेगी। ये चाहे सारे देश के नेता एकजुट हो जाइयो, दुष्यंत चौटाला को उचाणा में नहीं रोक सकते, वहां की जनता का आशीर्वाद दुष्यंत जी के